हेलो टू ऑल, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ टू सेक्शन बिट नंबर। यहाँ पर लिखा है सेकंड बिट। बेसिकली क्या है, कुछ दिन पहले ऑलरेडी मैं एक मेथड डिस्कस कर चुका हूँ कि टू सेक्शन बिट नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। आज मैं एक सेकंड मेथड, जो कोई सबसे इजिएस्ट मेथड कर सकते हैं कि दो सेक्शन बिट नंबर ऐड करने का तरीका क्या हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है। इसमें बेसिकली हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो है एलेक्स आई। पहले मेथड मैंने डिस्कस किया था कि LHLD इंस्ट्रक्शन यूज करके दो 16 बिट नंबर हम कैसे ऐड करते हैं। इस मेथड को हमने और इजी बनाया है, आज हम यूज करने जा रहे हैं LXI। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये 16 बिट डेटा को स्टोर करता है किसी रजिस्टर पेयर में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट प्रोग्राम में। आज बात करते हैं कि 16 बिट नंबर ऐड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन कैसे यूज किया जा सकता है। सपोज हमारे पास दो नंबर गिवेन है, फर्स्ट वन इज 1234, सेकेंड इज 234, दोनों हमारा 16 बिट नंबर हो गया है, 8 बिट 8 बिट 16 बिट, 8 बिट 8 बिट 16 बिट। तो सबसे पहले इन नंबर को हम स्टोर करते हैं। बेसिकली इसमें जो एडिशन होगा वो डायरेक्ट एडिशन होगा। हमने लिखा है यहाँ पे LXI H,1234। इसका मतलब ये हुआ कि 1234 आपके HL पेयर में स्टोर हो गया। स्टोर कैसे हुआ, HL 3412, हायर बाइट H में, लोअर बाइट L में। तो इस तरह से HL पेयर में आपका एक नंबर स्टोर हो गया। सेम हम सेकेंड नंबर स्टोर कर लेते हैं LXI B 2345। अब ये BC पेयर में स्टोर हो गया 2345, B में 23, C में 45। तो दोनों नंबर आपका स्टोर हो चुका है, एक HL पेयर में एक BC पेयर में। अब देखिए यहाँ पे H लिखा है तो इसको HL क्यों बोल रहा है, B लिखा है तो BC पेयर क्यों बोल रहा है। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन जो यूज होता है वो रजिस्टर पेयर के साथ यूज होता है, और जो हम पेयर रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो है HL, BC और B, रिप्रेजेंट फर्स्ट लेटर के थ्रू होता है। इसलिए मैंने लिखा है LXI H मीन्स HL पेयर, LXI B मीन्स BC पेयर। आपका फर्स्ट नंबर स्टोर हो गया HL पेयर में, सेकेंड हो गया BC पेयर में। आपको ऐड करना है HL पेयर प्लस BC पेयर। इसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो है DAG। ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, रजिस्टर पेयर की वैल्यू को डायरेक्ट ऐड करता है। हमें करना है BC HL, हमने लिखा DAG B। डैट बी का मतलब होता है बीसी पेयर प्लस HL पेयर। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। अगर हमने यहां पर लिखा डैट बी, इसका मतलब बी पेयर प्लस HL पेयर। अगर हमने लिखा यहां पे H मीन्स HL पेयर प्लस HL पेयर, और आउटपुट HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। सेम एज डैट बी मीन्स इस लाइन के बाद आपका HL पेयर प्लस BC पेयर का एडिशन हो चुका है। जो भी आउटपुट आपका आया है वो HL पेयर में 3579 स्टोर हो गया। तो यहां तक एडिशन आपका हो गया। अगर आपको किसी मेमोरी लोकेशन पे इसको स्टोर करना है देन SHLD 504। मेमोरी लोकेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एज एग्जांपल लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट ऑफ L होगा वो स्टोर हो जाएगा गिवन लोकेशन पे, जो कंटेंट ऑफ H होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे हमने 2500 किया तो जो L का कंटेंट होगा वो गिवन लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, जो H का कंटेंट होगा वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो इस तरह से सिंपलेस्ट मेथड है दो 16 बिट नंबर एड करने का। चलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को HL पेयर में स्टोर किया LXI H 1234। सेम सेकेंड नंबर को हमने BC पेयर में स्टोर कर लिया, फर्स्ट नंबर HL पेयर में, सेकेंड BC पेयर में, इनको डायरेक्ट हमने ऐड किया डैट बी। ये हो जाएगा BC प्लस HL, जो भी आउटपुट आया आपका HL में स्टोर हो गया। यहां पर अगर हम एंड कर देते हैं तो बेसिकली केस में क्या होगा, जो आउटपुट है आपका HL पेयर में स्टोर हो गया।
अगर हमें किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है देन हम SHLD जिस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं उसका एड्रेस समथिंग सपोज XXX, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट ऑफ L है वो गिवन लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा और जो कंटेंट ऑफ H होगा वो XX प्लस 1 पे स्टोर हो जाएगा एंड द प्रोग्राम। तो इस तरह से आप दो 16 बिट नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है 2 16 बिट नंबर ऐड करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।